आते हैं, आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको बतानी है वो जैसे कि हैंड वॉश डे कल था वैसे आज हैंड वॉश डे। तो आप जैसे भोजन ग्रहण करने के बाद, नहीं दिस इज रॉन्ग, क्योंकि राजा बोल रहा है तो मेरा अटेंशन शिफ्ट हो रहा है। भोजन ग्रहण करने के पहले और शौच के बाद आपको क्या करना है? हैंड वॉश। हैंड वॉश, हैंड वॉश का तरीका यह है कि आप साबुन से ऐसे 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 उंगलियों के जो जो पोर हैं उनके बीच में ऐसे 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 खूब अच्छे से आप करके, और उसके बाद आप पानी के नीचे आप हाथ धुल लीजिए, उसको हैंड वॉश कहते हैं। हैंड वॉश अगर करेंगे तो आपकी 99.9% बीमारियां इन्हीं हाथों से होती हैं, समझ रहे नहीं? आपको कल की तरह आज ही हाथ धोने, पहली चीज। दूसरी बात, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज क्या है, विश्व साक्षरता दिवस कल हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 8 सितंबर। हर वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं। तीसरी आज इम्पोर्टेंट बात जो आपके बीच में मैं कहने वाला हूँ वो ये है कि हर एक घर में प्लास्टिक आती है, पॉलीथीन आती है कि नहीं? यस सर। पॉलीथीन कैरी बैग है, चाहे आप वेजिटेबल लें, चाहे आप फ्रूट्स लें, चाहे आप स्वीट्स लें, या कोई भी सामान आप लेते हैं, किराने की दुकान वाला आपको क्या दे देता है? प्लास्टिक। तो आप बेटा प्लास्टिक नहीं लेंगे। कारण क्या है? आप चाहे ठोंगे में सामान लेंगे जो कि कागज से बना होता है, या जो है थैला लेंगे जो कि कपड़े का बना होता है। कारण ये 10 से 12 पॉलीथीन पर डे हर घरों में आ रही है, और वो पॉलीथीन आप क्या करते हैं, एज इट इज कचरे में फेंक देते हैं, डस्टबिन। उसको क्या करते हैं, जानवर खा लेते हैं, तो जानवर को क्या हो जाता है बेटा, वो डाइजेस्टेबल नहीं होता, जानवर मर जाता है उसको खाने के बाद। और जो भी पॉलीथीन इकट्ठी होती है वो डिजॉल्व नहीं होती है, वो आपके सॉयल पे, मिट्टी पे ऐसे ही पड़ी रहती है। जब पानी बरसता है, जब आयुष होता, बारिश होती है, जब रेन वाटर होता है, तो वो पॉलीथीन जो है क्या करती है, मिट्टी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो मिट्टी की जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो पॉलीथीन की वजह से मिट्टी को क्या होता है, पॉलीथीन की लेयर्स जो है मिट्टी को रोकती हैं, कोई भी वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती अर्थ। इसीलिए आपका वाटर लेवल क्या हो रहा है, डाउन होता जा रहा है, क्योंकि ऊपर का जो पानी है उसे नीचे जाना चाहिए, नहीं जा पा रहा है पॉलीथीन की वजह से, समझ रहे हैं? बहुत से लोग खुशी खुशी में, आप जाइए घरों में, जाइए दुकान पे, जाइए बाजार हाट जाइए, ज्वेलरी की दुकान पे जाइए, तो खुशी खुशी क्या करते हैं, आपको चाय पिलाते हैं, कहते हैं चाय पी के जाना है आपको, बिल्कुल चाय पी के जाना है। और वो क्या करता है, एक आदमी पॉलीथीन में चाय लेके आता है, और उसी समय आपको क्या करता है, कुल्हड़ या गिलास में चाय डाल देता है, डालते हैं नहीं? Yes. अगर पॉलीथीन जो है उसमें कोई हॉट लिक्विड अगर डाल देंगे तो पॉलीथीन में जो केमिकल्स है वो मिक्स करके उस चाय में चला जाता है, छूटता है, समझ रहे हैं? उस चाय में वो पॉलीथीन के केमिकल्स चले जाते हैं, आपको लीवर कैंसर हो जाए। अगर पॉलीथीन का केमिकल्स चाय में मिल गया या गर्म दूध में मिल गया तो लीवर कैंसर हो जाएगा, आदमी की डेथ हो जाएगी, श्योर, समझ रहे हैं? तो पॉलीथीन का आपको यूज नहीं करना है। आपको कपड़े में या कोई भी कागज का झोला हो उसको आपको लेके जाना है, ठीक है? क्योंकि yes, पॉलीथीन ऐसे केमिकल से बनी रहती है कि जो कि डिजॉल्व नहीं होते, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं, जो हमारी प्रकृति के हिसाब से वो चीज नहीं है। प्रकृति सारी चीजों को क्या करती, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती। यहाँ की आदमी को जलाया भी इसलिए जाता है कि प्रकृति में जो 5 तत्व है जिनसे शरीर मिला बना है, वो 5ों तत्व इस प्रकृति में मिल जाए, समझ रहे हैं? तो वो पॉलीथीन क्या है, कभी भी प्रकृति के तत्वों में मिलती नहीं, समझ रहे हैं?